आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोवर्धन के सिद्धि विनायक महाविद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जनपद के 27 इंटर कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे व्यापारी नेता गणेश पहलवान। गोवर्धन मथुरा रोड स्थित सिद्धि विनायक महाविद्यालय में शनिवार को दौड़ प्रतियोगिता खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारी नेता गणेश पहलवान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और दीप प्रज्वलित कर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। महाविद्यालय के प्रबंधक नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस साल भी दौड़ खेलकूद कबड्डी जैसे कार्यक्रम लगातार चलते आ रहे हैं और होते रहेंगे, जिससे छात्र छात्राओं का शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास अच्छे से हो सके। तो वहीं गणेश पहलवान ने बताया कि गांव के बच्चे सेना भर्ती के लिए दौड़ लगाते हैं और मेहनत करते हैं, जिसमें सभी लोगों में उत्साह प्रकट हो और भाव आगे के लिए बनी रहे, लगातार मेहनत करते रहे और मंजिल हासिल करें। तो वहीं दीनदयाल इंटर कॉलेज अडीक के प्रबंधक ने दिनेश यादव ने बताया कि जनपद के विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया है और विद्यालय का नाम, परिवार का नाम और गांव का नाम बच्चे रोशन कर रहे हैं, जिसमें 400 मीटर दौड़, 3000 मीटर दौड़, 1600 मीटर दौड़ में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और वहीं पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया, जिससे छात्र छात्राएं जनपद का नाम रोशन करें और पर पुरस्कार हासिल करें। सर क्या नाम है? सर नंदकिशोर शर्मा, एडवोकेट मेरा नाम है। सर आज विद्यालय में क्या प्रोग्राम किया जा रहा है, जरा बताइए सबको। देखिए, हमारे सिद्धि विनायक महाविद्यालय में आज जो है 3000 मीटर की दौड़ और 800 मीटर की दौड़ की जा रही है, जिसका उद्घाटन जो है गणेश पहलवान व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने गोवर्धन से किया है। सभी स्तर के टीचर अध्यापक आए हुए हैं। सर कितने विद्यालय इसमें आए हुए हैं भाग लेने के लिए? करीब करीब सर 27 इंटर कॉलेजों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। अच्छा सर, हम ये कार्यक्रम जो खेल है वो हर साल कराते हैं प्रतिवर्ष, और उसी को भावना को देखते हुए खेल का कार्यक्रम करा रहे हैं। सर इससे क्या उद्देश्य जाता है समाज में? सर देखिए, इससे पहला उद्देश्य ये जाएगा, बच्चे की जो प्रतिभा है ग्रामीण से निकाल के हम लोग शहर में ले जा रहे हैं, रीजन में ले जाएंगे, जिले में ले जाएंगे, जिले स्तर से फिर रीजन में जाएगा। तो ग्रामीणों जो प्रतिभा दबी पड़ी हुई है उनको निकाल करके उभार करके लाना, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है, क्योंकि हमारा महाविद्यालय जो है श्री सिद्धि विनायक महाविद्यालय वो ग्रामीण अंचल में है। आपका सर? मेरा नाम दिनेश चंद यादव है। यादव जी, आज कहाँ पर प्रोग्राम आ रहा है खेलकूद का बताएं। मैं दीनदयाल इंटर कॉलेज से आया हूँ, सिद्ध विनायक डेरी कॉलेज गोवर्धन मार्ग पर खेलकूद का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ से अपनी टीमें लेकर के यहाँ उपस्थित हुई। सर कितनी टीमें आई? लगभग तीन टीमें। तीन टीमें किस किस खेल में हैं सर? आज तो दौड़ है और लंबी कूद है और तुम्हारे गोला फेंक है। गोला फेंक है, तो ये खेल पहली बार हो रहा है या हर साल होता है? प्रतिवर्ष होता है, प्रतिवर्ष विद्यालय इसमें भाग लेता है और काफ़ी बच्चे जीत करके भी जाते हैं ऊपर तक। स्तर पर बच्चे खेलते हैं सर? ऊपर तक मैंने स्टेट लेवल तक बच्चों को खिलाया है। और क्या कहना, जीत कर जिले पर जाते हैं, जिले से फिर मंडल पर खेलते हैं, क्रम अनुसार वो निकलते ही जाते हैं। बच्चों के लिए क्या मोटिवेशन है इससे? इससे एक तो मोटिवेशन ये है कि बच्चों के ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो मेहनत करना सीखते हैं, जिससे उनको एक और लाभ होता है इस दौड़ से कि जो तंबाकू खाने के शौकीन बच्चे होते हैं उनके फेफड़े जो रुक जाते हैं वो सब साफ होते हैं दौड़ने से, एक व्यायाम भी मिलता है और आजकल जो वो फोर्स की भर्तियाँ हैं उनके लिए बच्चे तैयार होते हैं। अधिकांशतः ग्रामीण अंचल से ही बच्चे फोर्स के लिए निकल के जा रहे हैं।